टिमटिम चलो बस अब आगे देखो यहाँ अपन बैठेंगे कहाँ यार। वाह कितना अच्छा है एकदम। हम क्या दे खाना? हम कुछ नहीं दे सकते टिमटिम। यार ये वो क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। एक ले चले टिमटिम हम। हाँ ये वाला ले चलते ब्लैक एंड व्हाइट वाला, देखो कितना क्यूट है ये। केक ही चले चलेंगे। ओके हम लोग ये चलते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला। बहुत पतली है यार ये बेचारी। वाओ ये भागो मत यार, डर के भाग जाएगी। उसके पास में दो कितनी सारी हैं। मजा आ रहा है पापा? मुझे आओ मुझे मुझे बट यहीं सही है यार। तो बताओ आपको तो हम लोग अभी है रामदरा में और पिकनिक के लिए आए हैं। एंड अभी तक आपने जो प्यारी प्यारी से क्लिप्स देखी बहुत ही खूबसूरत थी वो सारी चीज़ें। और मुझे ऐसा लगा सिर्फ हम ही ऐसे हैं, मेरी लिपस्टिक लगी है शायद, मुझे ऐसा लगा सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो खाना वाना बना करके लाए होंगे, बट और कुछ लोग हैं जो प्रॉपर मैट वैट बिछा करके और पिकनिक कर रहे हैं, तो हम लोग भी इसलिए कुछ वैसे ही करके आए हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड गए कार से सामान लाने के लिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी जगह है, वहाँ पर मैट बिछाएंगे हम और फिर मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई है वो खाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे। तो दिखाती हूँ आपको भी। टिमटिम ना सच में। सो जस्ट अभी हम लोगों ने स्नैक खाया, मैं पानी पूरी लाई थी घर से, पानी पूरी में दही पूरी बोल सकते हैं आप, पूरी थी और साथ में दही में मैंने थोड़ा चाट मसाला थोड़ा सॉल्ट मिला के रख लिया था, पटेटोज को बॉईल करके कट कर लिया था और फिर उसमें मैंने धनिया पत्ती और सॉल्ट और थोड़ा चाट मसाला मिला के रख लिया था, पूरी और वही दही वगैरह सेव इन सारी चीज़ों को मिक्स करके दही पूरी। और मेरे पीछे एक छोटी सी कैट है, वो नहीं शेर का बच्चा है, दूसरे लोग भी है यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, अच्छा लग रहा है ओवरऑल सब कुछ। हाय
वो खेल रही है टमटम, और ये मेरा सामान खाने पीने का, मेरा पर्स, और ये कचरा इसने इकट्ठा करके रखा है, बाहर डस्टबिन में फेंक देंगे बॉटल। और ये चना खरीदा है थोड़ी देर अभी हम लोगों ने, ये खाया बट फिर याद आया कि अभी खाना भी खाना है तो फिर वो रख दिया वापस। अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा लगता है कभी कभी फैमिली आउटिंग में आओ। ये बचपन में जो हम लोग जो पिकनिक जाया करते थे बिल्कुल उस टाइप की ही पिकनिक है, और अच्छा लग रहा है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं, बच्चों को भी नया सा लगता है। और यही वेदर है जब आप बच्चे को लेकर कहीं जा सकते हो, आप भी आराम से बैठ सकते हो और बच्चे इंजॉय करेंगे। बस पूरे टाइम नजर रखो टिमटिम के लिए, हम बैडमिंटन लेकर आए घर से कि वो यहाँ पे खेले, तो उसको एक फ्रेंड भी मिल गया, उसके साथ में खेल रही है वो, तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। हम लोग 1.5 आवर, मतलब हम लोग 5 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे, हम लोग घर से ही 1 बजे निकले थे, तो लंच इन शॉर्ट बाहर ही हो रहा है। तो ठीक है, दिखाती हूँ आपको मैं लंच के लिए, बस मैं मटर पुलाव बना के लाई यार, और कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हम बस सोच ही रहे थे सुबह से उठने के बाद से कि कहाँ जाना है। पहले कुछ सोचा कि वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ के लिए प्रिपेयर हुए, फिर सोचा नहीं वहाँ अभी नहीं जा सकते, फिर दूसरी जगह सोची, तो बस सोचते 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 1 बज गए, तो फिर निकले। अब नेक्स्ट वीकेंड हम फिर से कहीं जाने वाले हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपको आगे के ब्लॉग में दूंगी। हाँ मैं भी आ रही हूँ ना, चलो चलो बाय कर दो। सो हमारी पिकनिक हो गई है यार, मुझे तो हाँ हमारी पिकनिक हो गई है, और बस हम लोग लौट रहे हैं, 5 बज गए हैं। हम लोगों ने सोचा थोड़ा जल्दी ही निकल जाते हैं ताकि अंधेरा ना रहे और अंधेरे होने से पहले ही हम घर पहुंच जाए। और ये टिम टिम टिम, आपको मजा आया? तुम मुंह से बोलो। हाँ आया मजा। क्या क्या करने में मजा आया? मैंने बहुत खेला उधर। बहुत खेला ना? मैं फ्रेंड के साथ। फ्रेंड, आपका फ्रेंड भी बन गया था ना एक? हाँ। येलो टी, आपने उसका नेम पूछा? नहीं। वेरी बैड, आपको नेम पूछना था ना कि नहीं? हाँ, कल जाऊंगी तो उसका नेम पूछूंगी। ओके ठीक है, कल जाना तो पूछ लेना उसका नेम। ओके चलो ठीक है सर। हेलो, तो आपने अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था वो थी हमारे सैटरडे की पिकनिक, एंड आज संडे है और नाइट हो गई है। तो दिन भर मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं मेरे सामान और सारी चीज़ें जमाने वाली, तो आज मैंने दिन में यही किया, मैंने मेरे कपड़े और जो बैग्स हो गए और ये सारी चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट किया, मतलब अच्छे से रखा। और फिर उसके बाद में हम लोग मॉल चले गए थे शाम को फीनिक्स। व्लॉग मैंने वहाँ इसलिए नहीं किया बिकॉज पहली चीज़ तो मैंने फिनिक्स के बहुत सारे व्लॉग्स ऑलरेडी कर लिए हैं, और आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के साथ में गए थे, फ्रेंड की फैमिली के साथ में, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि मैं किसी और के साथ में जब हम जा रहे हैं तो व्लॉग करूं, क्योंकि नहीं पता सामने वाला कंफर्टेबल है कि नहीं, और मैं भी थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती हूँ, तो इसलिए। तो हम लोग स्टार बाज़ार गए थे, तो वहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ले आए, और ग्रॉसरी तो मैं लेकर पहले ही आ चुकी थी रिलायंस से। और फिर हम 99 मार्केट गए थे बिकॉज मेरे हस्बैंड को गिफ्ट लेना था ऑफिस के लिए, मतलब उनके ऑफिस में कुछ ऐसा सीक्रेट सेंटा वाला कॉन्सेप्ट होता है, लाइक आपको किसी एक ऑफिस वाले के लिए गिफ्ट ले जाना होता है और उसे नहीं पता होता है कि आपके लिए कोई गिफ्ट ला रहा है, तो सीक्रेट सेंटा काइंड ऑफ उनके ऑफिस में था, तो उनको गिफ्ट लेना था अपने ऑफिस के एक कलीग के लिए, तो हम लोग यहाँ चले गए थे 99 मार्केट। तो 99 मार्केट जाओ और मैं कुछ ना लाऊं ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट देना, मैंने इसमें से कुछ निकाल दिया है, वो लेकर आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। और ये पीछे टिमटिम बैठी है अपना चश्मा लगा करके, और ये मोबाइल में वीडियोस देख रही है, और जो चश्मा उन्होंने लगाया है वो आज एक बारबी का सेट लाई थी, उसमें मिला था उन्हें ये चश्मा, तो वो लगा करके जब से इतरा रही है। तो एक मिनट रुकना, मैं जस्ट अभी आई। तो मैं आ गई वो सामान लेकर जो मैंने निकाल लिया था इसमें से, एंड आई होप आप इसमें सब सारी चीजें हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, मैंने लिया है ये एक वुडन कोम टिमटिम के लिए,
क्योंकि वुडन कॉम्ब बहुत अच्छा होता है अगर आपको अपने बालों की हेल्थ के बारे में सोचना है तो, और मैं उसके बालों को लेकर तो बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मतलब हेयर ग्रोथ और सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर चाहिए। और एक बार मैंने इसके बालों में लगा कर भी देखा इसे, और बेस्ट चीज़ मुझे इसकी ये लगी कि ये बिल्कुल भी बालों में अटक नहीं रहे हैं, बहुत ही स्मूथली जा रहे हैं। तो ये एक कॉम्ब लिया, ये 69 रुपीज़ का था, वुडन कॉम्ब, लकड़ी का कॉम्ब। अगर आपको कहीं भी मिले तो ले लेना, अच्छा होता है। मैं सोच रही हूँ मेरे लिए भी एक लूंगी, बट ये फिलहाल टिमटिम के लिए है। फिर उसके आगे आपको आवाज़ आ रही होगी, टिमटिम एक्चुअली माशा एंड बेयर देख रही है तो उसी की आवाज़ है। फिर मैंने ये एक स्पून लिया, कलछुल बोलते हैं इसे हम लोग, हाँ, तो ये लिया है दाल वाली चम्मच, मेरी एक्चुअली टूट गई थी ये, तो ये मैंने लिया है। ये है 59 रुपीज़ की। मैंने ये कारा का मेकअप रिमूविंग वाइप्स लिया है, ये 175 रुपीज़ का है, ये भी 99 मार्केट से ही लिया है। देन मैंने ये रबर बैंड का पूरा सेट लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी के बैंड्स हैं, और जब आपकी बेटी हो और उसके बाल बड़े हो तो ये सब बहुत लगता है, मतलब रोज पेयर्स घूमते ही, अगर मुझे उसकी दो चोटी करनी है तो बहुत मुश्किल होती है एक जैसे कलर्स ढूंढने के लिए, तो इसलिए घर में ये होना बहुत ज़रूरी है ढेर सारा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ये 99 रुपीज़ के हैं सारे। और क्रिसमस आ रहा है तो मैंने क्रिसमस ट्री बहुत ढूंढा यार, बट मिला नहीं। फाइनली स्टार में दिखा था, बट हम इतने लेट गए थे कि जिस सेक्शन में ट्री रखा हुआ था क्रिसमस ट्री, वहाँ पर्दे लग गए थे और वो बंद हो गया था, तो हम नहीं ले पाए। और अब लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्रिसमस बस आ ही गया है, मतलब क्रिसमस से अराउंड 1 वीक और 15 डेज पहले से अगर आप डेकोरेशन करके रखो, लाइटिंग रखो, तो घर में बहुत अच्छा लगता है। बट मैं मिस कर गई, अब नेक्स्ट ईयर करूँगी, बट स्टिल मैंने ये थोड़ा डेकोरेशन का लाया है। ये दो चीज़ें, एक है 129 रुपीज़ का है, ये वुडन है, इसमें लिखा हुआ है मेरी क्रिसमस, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये ले लो वीडियोज़ में, बैकग्राउंड में रखना, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है ना तो थोड़ा क्रिसमस फील भी आएगा ऐसा, है ना, अच्छा है ना। तो एक ये लिया, एंड ये 129 का था, और ये है 69 रुपीज़ का। यहाँ से ओपन होगा, अच्छा हो गया, अभी ओपन कर दे रही तो कल सुबह तक इसे लगा भी दूंगी। ये दो चीजें मैंने थोड़ा क्रिसमस डेकोरेशन के हिसाब से लिया, मुझे ट्री भी लेना था बट मैं मिस कर गई। फिर उसके बाद में मैंने ये एक भेल ली है, जो कि मूढ़ी भी बोलते हैं, जैसे भेल झाल मूढ़ी वगैरह जो बंगाल कोलकाता साइड में बोलते हैं, तो ये मैंने बेसिकली पाउडराइज जो होता है वो है, उसमें थोड़ा चटपटा बना दिया है। तो एक ये लिया है मैंने, ये आई थिंक 20 रुपीज़ का है। और एक मैंने ये सॉल्टेड सनफ्लावर सीड लिया है, ये कितने का है, ये 30 रुपीज़ का है। ये दो चीज़ें लिए स्नैक में, एंड मैंने लिया है लिवॉन। लिवॉन का अभी जो स्प्रे निकला है ना, शेकन स्प्रे सिरम, वो लिया है, इसे ट्राई करने के लिए लिया है। वैसे मेरे पास में सिरम रखा हुआ है, आपने भी देखा है, बट क्योंकि मुझे इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि अफोर्डेबल भी है, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं कुछ अफोर्डेबल भी शेयर करती रहूँ, तो इसलिए ये ख़रीदा है कि मैं इसे थोड़ा यूज़ करके आपके साथ में शेयर करूँ कि कैसा है। तो बस इतनी चीज़ें हैं, और इसके अलावा कल मेरा मिंत्रा के 2 ड्रेसेज आए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट रुकना। तो ये है वो 2 ड्रेसेस जो कि मैंने मिंत्रा से मंगवाई, 2 पीस है, मतलब कुर्ता विथ प्लाजो है ये, एंड मैंने बहुत सस्ते अफोर्डेबल वाले लिए, दोनों 799 है, डिलीवरी चार्जेस जोड़ के 839 रुपीज़ ईच पड़ा है ये। मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले ये जो सबसे प्यारा लगा, बहुत सुंदर लगा ये, फर्स्टली इसका प्रिंट बहुत अच्छा है और फिटिंग बहुत अच्छी है, पैटर्न बहुत अच्छा है, मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगी, कोशिश करूँगी, और लिंक तो दे ही दूँगी नीचे मिंत्रा की, तो देखना आप। तो ये है वो कुर्ता, इसका नेक कुछ ऐसा है, स्लीव्स में ऐसा है, और नीचे से ये फ्रॉक पैटर्न में है थोड़ा सा, ठीक है। और इसकी जो रियल प्राइस है ये है 2000 रुपीज़, बट चूंकि ये था ऑफर में, कुछ
कुछ परसेंट ऑफ चल रहा था, तो ये 799 रुपीज में था उसमें अवेलेबल। और गेरुआ बहुत अच्छा ब्रांड है, आपने अगर कभी मिंत्रा वगैरह नेट पर अगर आप ब्रांड्स देखते हैं तो आपको पता होगा। और इसके साथ में ये है प्लाजो, इसका कॉटन है, प्योर कॉटन सॉरी। तो ये दोनों 799 में मिला, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत जल्दी आप मुझे ये पहने हुए देखेंगे। देन मैंने ये सेकेंड वाला ऑर्डर किया है, ये भी कुर्ता विद प्लाजो है, बट ये उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा जितना वो ब्लू वाला लग रहा है। ये देखिए, ये है कुछ ऐसा ऐसा, और इसमें पॉकेट्स हैं दोनों साइड, और इसके भी साथ में है ये प्लाजो, बट ये उतना घेर वाला प्लाजो नहीं है, थोड़ा पैंट टाइप है ये। क्या क्या हो गया, इधर आओ 1 मिनट। हाँ, तो ये है उसका पैंट, और मैंने दोनों में ही लार्ज साइज लिया है। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस क्या है, इसमें इसका प्राइस ही नहीं दिया है। हाँ, 1999, मतलब ये भी 2000 का है, और ये अक्स ब्रांड का है, अक्स भी अगेन एक बहुत अच्छा ब्रांड है। तो ये दो मैंने लिए हैं, लिंक्स दे दूंगी नीचे, मतलब 839 ईच पड़ा है ये इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। तो मैं लिंक्स दे दूंगी नीचे मिंत्रा की, आप देख लेना आपको लेना होगा तो। ये वाला तो बहुत अच्छा है, अगर आप सोच रहे हैं लेने के बारे में तो जरूर लीजिए इसे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो इतनी चीजें थी, चलिए मिलते हैं आप कल के। सो यहाँ फिनिश होता है ये व्लॉग, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और पता मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही, कल से मेरे घर का नेट ही नहीं चल रहा है, जो वाईफाई वाला नेट है ना वो, और उसके बिना मैं वीडियोस अपलोड करना और ये सब सोच भी नहीं सकती हूँ। जो इंस्टा हो गया या कमेंट्स के रिप्लाई हो गए, व्हाट्सएप हो गया, ये सब तो मैं डेटा पर भी चला लूंगी, मोबाइल डेटा पर, बट वीडियोस अपलोड करने के लिए वाईफाई बहुत जरूरी है। और मेरे घर का वाईफाई वैसे तो पिछले 2 हफ्तों से ही परेशान कर रखा है, लेकिन कल से कम्प्लीटली बंद हो गया है। मैं आपको बता दूं, मेरा वेडनेसडे का व्लॉग रखा हुआ है शूट करके, एडिट करके, जस्ट मैंने अभी उसको सेव किया, ये सब रखे हुए हैं, लेकिन मैं ना ही अपलोड कर पा रही हूँ, मेन चैनल के लिए भी कुछ भी अपलोड करके नहीं रखा है। तो अब मुझे जो मेरा मोबाइल डेटा उसी से हॉटस्पॉट क्रिएट करके करना पड़ेगा। कल मंडे है, कल भी क्या पता सुबह चलता है कि नहीं चलता है नेट, तो मोबाइल डेटा के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, मोबाइल डेटा में ही हॉटस्पॉट क्रिएट करके करूँगी अपलोड, क्योंकि काम रुक नहीं सकता। और इतनी गुस्सा आ रही है ना, बहुत प्रॉब्लम है यार नेट की, अभी तक ठीक ठाक चल रहा था, ऑल ऑफ सडन पिछले 2-3 हफ्तों से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, और एक तो हमारी सोसाइटी में वही एक नेट प्रोवाइडर है जो कि दे रहा है, नहीं तो कुछ चेंज करते, कुछ स्विच करते, गॉड नोस क्या होगा, कब फिक्स होगा। सो यहाँ ये व्लॉग जो है ये फिनिश होता है, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा होगा तो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।